रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में फंसे हरियाणा के छात्रों को लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। सीएम ने बताया कि युद्ध की स्थिति के मद्देनजर चंडीगढ़ में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम में अब तक हरियाणा के विभिन्न भागों से 700 से करीब कॉल आई हैं, जिनमें से 90 से अधिक बच्चे स्वदेश लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लौट रही भारतीय फ्लाइट दिल्ली में उतर रही थी, लेकिन आज एक फ्लाइट मुंबई में पहुंची है। संभावित तौर पर उसमें भी हरियाणा के अनेक बच्चे मौजूद हैं, जिन्हें हरियाणा लाने का प्रबंध भी हरियाणा सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आज करनाल पहुंचे हैं, कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। मेरा घर है नीचे, लक्ष्य स्वाभाविक है तो मैं अपना लाऊंगा ही, और वैसे भी आज भोले बाबा की कृपा है और भोले बाबा के कृपा और आज शिवरात्रि के कार्यक्रम के नाते से जैसे करनाल में हर वर्ष की भांति इस बार भी जो शोभा यात्रा निकलेगी, सभी लोगों के दर्शन करने जाऊंगा। दिन भर में हरियाणा का हमारा जो कार्यक्रम बना है उसमें कुछ लोग मिलने वाले भी थे, अभी रेस्ट हाउस में 30 लोगों के साथ बातचीत हुई, उनके कुछ काम, उनकी कुछ समस्याएं उसके हल के लिए किए और अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। अभी यहाँ से लक्ष्य सीएम साहब, 1740 के करीब बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो ताजा आए केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। हरियाणा के बच्चे हैं जिसमें से 91 बच्चे अभी वापस आ पाए हैं, तो किस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार काफी स्टूडेंट्स के वहां से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि किसी तरह की सुविधाएं एम्बेसी की तरफ से नहीं दी जा रही है, कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है? देखिए, हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरन कॉपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं, और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है, और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो फ्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं, तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि मुंबई से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। चूँकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है, 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट। तो लगता नहीं सर कि कंट्रोल रूम जो पहले ही शुरू करना चाहिए था, 10 दिन से काफी लोग, परिवार के लोग चिंतित थे। हमारे कंट्रोल रूम 8 दिन से चालू है, आज से नहीं है, 8 दिन पहले ही हमने मीडिया में भी बता दिया था, सब अपना व्हाट्सएप नंबर सारा कुछ किया हुआ है। इन 8 दिनों में मैंने बताया 700 लोगों ने संपर्क हमारे से कर लिया है, क्योंकि लेकिन वहाँ वो कहाँ है वो सारी जानकारी अभी कल हमको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि हरियाणा के लोग जो हैं उनके परिवारों को संपर्क करने के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को संदेश दे दिया है, जिस जिले में जो परिवार हैं उनको संपर्क करेंगे, उनके परिवार के साथ उनके जो भी परिवारजन वहाँ गया हुआ यूक्रेन में जो गए हुए